नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। ये आपकी उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। आज उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नया भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ये भर्ती विज्ञापन कौन सा है, कितने पद हैं, क्या शैक्षिक योग्यताएं रहने वाली हैं, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स आपको विस्तार पूर्वक मैं आप सभी लोगों को जानकारी दूंगा। तो आप सभी लोग स्टार्टिंग से लेकर अंत तक हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा ये विज्ञापन निकाला गया है 1 मार्च 2023 को। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें आप यहाँ पर PDF पे क्लिक करके ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बात कर लेते हैं आज चीज, ये जो नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डाला गया है उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा। आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड के न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 की ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। 1 मार्च से आप, यानी कि आज ही से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21 मार्च 2023 तक आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट जो है 21 मार्च 2023 है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर और भी चीज़ें मैं बताऊँ, जो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। बाकी ये जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा हमारे स्टडी विद एम के टेलीग्राम चैनल पे, तो आप चाहे तो वहाँ से भी डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा इसमें देखिए 16 पदों के सापेक्ष यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। 21 मार्च इसकी आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो न्याय विभाग होता है उसमें सिविल न्यायाधीश के यहाँ पे 16 पद रखे गए हैं। ठीक है, ये आप इनको देख लीजिएगा आरक्षण किसमें कितना है। इसमें देखिए जो पद का जो स्वरूप होगा राजपत्रित अधिकारी होता है, यानी कि लेवल ख, यानी समूह ख का इसमें ये पद होता है। साथ ही साथ अगर वेतनमान की बात करें तो 77,840 से लेके 1,36,520 तक इसका वेतनमान रहता है। शैक्षिक योग्यताओं की बात करें तो उत्तराखंड में विधि द्वारा स्थापित किसी भी निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातकीय उपाधि आपके पास होनी चाहिए स्नातक की। साथ ही साथ देखिए आपकी यहाँ पे देवनागरी लिपि में जो हिंदी का है सम्यक ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर संचालन का आधारभूत भी ज्ञान आपके पास होना चाहिए। कुल मिला के देखिए जो आयु की गणना है वो 1 जनवरी 2023 से आपकी करी जाएगी। अभ्यर्थियों को कम से कम 22 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल इसमें आयु सीमा होनी चाहिए। इसमें इसी के साथ साथ और भी जो अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जो इनकी है pcs.uk.gov.in है, आप यहीं पर जाके इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और भी इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें देखिए आपको शुल्क भी जब आपको जमा करना है, अनारक्षित श्रेणी के लिए यहाँ पे 172 रुपये, EWS के लिए भी 172, OBC के लिए भी 172, SC ST के लिए 82 रुपये, और साथ ही साथ यहाँ पे जो शारीरिक दिव्यांग PWD है उनके लिए 22 रुपये यहाँ पे शुल्क रखा गया है। फिलहाल बात कर लेते हैं इसमें जो आपका अभ्यर्थियों के लिए मुख्य यानी लिखित परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं, यानी कि आपका ऐसा प्री मेंस और इंटरव्यू 3 तरीके के इसमें फेसेस से आपको गुजरना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद आपका मेंस होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद इसमें और भी अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आपको मैं बता दूंगा। बाकी जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो जो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसमें जो आपके लिए जो मेन जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता दी हैं। प्री के लिए आपको जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको ये 14 सेंटर मिल जाएंगे। प्री के लिए आप इन किसी भी सेंटर में से आप कहीं पे भी अप्लाई करके अपना एग्जाम दे सकते हैं प्री का। ठीक है, उसका फिर मेंस के लिए अलग होगा। प्री का इसमें आपका देखिए टोटली आपका सिलेबस भी डाल दिया गया है कि किस सिलेबस के आधार पर इसमें आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होती हैं वो तुरंत आप सभी के लिए डाल दी जाती हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे लोगों से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।